हेलो दोस्तों, आज हम एड एस्ट्रा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट अपनी जिंदगी की उदासी की चादर को हटाते हुए अपने और अपनों की जिंदगी में खुशियां बिखेर देता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट की टीम दूसरे ग्रह नेपच्यून पर जाती है, क्योंकि 24 सेंचुरी में हमारी दुनिया के सारे स्रोत लगभग खत्म हो चुके हैं। ये टीम नेपच्यून पर ऐसे एलियंस को खोजने जाती है जो अपने एडवांस टेक्निक से हमारी धरती को बचाने में हमारी मदद कर सके। ये टीम करीब 16 वर्षों का सफर तय करने के बाद नेपच्यून पर पहुंच जाती है और इनका कनेक्शन धरती से टूट जाता है, और कनेक्शन टूटने के कारण सभी को ये लगता है कि शायद पूरी टीम मर चुकी है। और इधर एक वेव बार बार पृथ्वी से टकरा रही है, जिससे कि वातावरण पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। नेपच्यून ग्रह पर निकली टीम को 29 साल पूरे हो गए थे। इधर एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि धरती से बाहर एक स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा होता है, जिसका नाम रॉय होता है। रॉय जिस स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा था उस पर वही वेव आकर टकरा जाती है जो कि बार बार धरती से टकरा रही थी। इस टकराव के फलस्वरूप वह स्पेस स्टेशन पूरी तरह तबाह हो जाता है और रॉय वहां से नीचे की तरफ गिरने लगता है। वह लगातार धरती की तरफ गिरता ही जाता है। तभी वह अचानक से अपना पैराशूट खोल लेता है और बच जाता है। रॉय एक ऐसा इंसान है जो कभी भी खुश नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे से हमेशा ही उदासी झलकती थी, और इस उदासी का कारण थे उसके पिता, जो कि उस टीम के लीडर थे जो टीम नेपच्यून ग्रह पर एलियन की खोज पर गई थी। इस टीम के संपर्क टूटने के बाद सभी को मृत मान लिया गया था, और रॉय भी यही मानता था कि उसके पिता भी मारे गए हैं, और वह उस समय से ही अपने जीवन में काफी उदास रहने लगा था। वह अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इधर रॉय को दिखाया जाता है कि उसे उसकी टीम ये बताती है कि जो वेव बार बार धरती से टकरा रही थी और जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया, वह वेव नेपच्यून ग्रह से आ रही है, और यह भी उस समय से ही आना शुरू हुई है जब तुम्हारे फादर की टीम नेपच्यून ग्रह पर पहुंची थी। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे फादर और पूरी टीम जिंदा हो और वहां कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से हमारी धरती पर काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो टीम मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम अपनी टीम के साथ मार्स ग्रह पर जाओगे और वहां से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, जिससे कि हम धरती पर होने वाले नुकसान को रोक पाएंगे। रॉय इस बात को मान लेता है क्योंकि वह अपने फादर से मिलना चाहता था। फिर वह अपनी पूरी टीम के साथ पहले मून पर पहुंचता है, क्योंकि वहीं से उन्हें मार्स के लिए जाना होता है। मून पर स्थिति सही नहीं है। वहां ऐसा दिखाया जाता है कि जमीन के लिए लड़ाइयां चल रही होती है, और जब रॉय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उनकी टीम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और कुछ लोग मारे भी जाते हैं। रॉय और कर्नल बच जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, जहां कर्नल रॉय को बताता है कि वह उनके साथ आगे तक नहीं जा सकता क्योंकि वह हार्ट पेशेंट है। कर्नल रॉय को एक सीक्रेट मैसेज देता है और कहता है कि रॉय किसी भी कंडीशन में अपने पिता को धरती पर नहीं लाएगा, क्योंकि सबका ऐसा मानना था कि वह पृथ्वी के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें वहीं पर मार देना है। रॉय को काफी तकलीफ होती है इन बातों से, लेकिन फिर वह अपने टीम मेंबर्स के साथ मार्स के लिए निकल जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि मार्स जाने के दौरान उन लोगों को स्पेस से कुछ सिग्नल मिलने लगता है और सभी मेंबर्स वहां जाना चाहते हैं। रॉय सभी को मना करता है और कहता है उनका मिशन मार्स पर जाना है, लेकिन रॉय की बातों को कोई नहीं मानता और सभी उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जब सभी उस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं रहता, वह बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन तभी वहां एक बहुत ही खतरनाक चिंपांजी को दिखाया जाता है जो कि उन पर हमला कर देता है और टीम के कैप्टन को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वे मर जाते हैं। फिर रॉय किसी तरह उस चिंपांजी को एक कैबिन में बंद कर देता है और उसे खत्म कर देता है, और बाकी बचे टीम मेंबर्स के साथ रॉय मार्स के लिए निकल जाता है।
मार्स पर लैंड के समय उनसे वही वेव टकराती है जो धरती पर बार बार आ रही होती है, जिसकी वजह से उनके स्पेसशिप का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन रॉय ने किसी तरह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपना स्पेसशिप मार्स पर लैंड कर दिया। दिखाया जाता है वह लोग नेपच्यून ग्रह से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रॉय संपर्क बनाने के लिए एक मैसेज पढ़ता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता और कोई रिप्लाई नहीं आता उधर से। रॉय दूसरी बार कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह अपने दिल की बातों को मैसेज के रूप में शेयर करता है। वह मैसेज काफी इमोशनल रहते हैं, लेकिन रॉय को ये करने की इजाजत नहीं थी। उसे वही मैसेज बोलना था जो उसे लिख कर दिया गया था। रॉय को रूल तोड़ने की वजह से टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे धरती पर वापस भेजने की तैयारी की जाने लगती है। इधर रॉय द्वारा भेजे गए मैसेज का रिप्लाई उसके पिता द्वारा आता है, लेकिन रॉय को वह मैसेज सुनने नहीं दिया जाता है। इधर दिखाया जाता है कि रॉय के पास वहाँ की डायरेक्टर आती है और उसे पूछती है उसके वहाँ आने का कारण, जिसे रॉय शेयर नहीं करता है। लेकिन डायरेक्टर उसे बताती है कि कुछ साल पहले तुम्हारे फादर का मैसेज हमें यहाँ मिला था, जिसके माध्यम से वह हमें बताती है कि वह अपने साथियों के साथ यहाँ पर धरती की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए थे यहाँ के एस्ट्रोनॉट की मदद से, लेकिन उनके साथ आए मेंबर्स वापस धरती पर जाने की जिद करने लगते हैं और फिर वह अपने साथियों को मजबूरन मार देते हैं। ये मैसेज सुनकर रॉय को काफी बुरा लगता है। वो परेशान हो जाता है कि तभी डायरेक्टर रॉय को बताती है कि उसके पिता की टीम मेंबर में उसके माता पिता भी थे, जिसकी मृत्यु रॉय के फादर द्वारा हुई है। वो बोलती है कि तुमको यहाँ लाने का कारण बस इतना था कि तुम्हारे मैसेज के द्वारा तुम्हारे पिता के लोकेशन को ट्रेस किया जाए और फिर उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से निकलने वाली वेव के कारण धरती तथा अन्य ग्रह को काफी नुकसान हो रहा है। रॉय डायरेक्टर से कहता है कि प्लीज एक बार उसे उसके पिता से मिला दिया जाए, प्लीज वो उसकी मदद कर दे उसे उसके पिता से मिलने में। डायरेक्टर उसे बताती है कि एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है तुम्हारे पिता को मारने के लिए, क्योंकि हमें अब उनका लोकेशन मिल चुका है। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देती हूं जहां से रॉकेट लॉन्च होने वाला है। डायरेक्टर एक टनल के रास्ते रॉय को वहां तक पहुंचा देती है। फिर रॉय रॉकेट के लॉन्च होने से पहले उसके अंदर दाखिल हो जाता है। रॉकेट के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पता चल जाता है कि रॉय अंदर आ चुका है। वो उसे बेहोश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहां फायर हो जाता है और एस्ट्रोनॉट के ग्लास टूटने की वजह से वो मर जाता है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और सारे मेंबर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन रॉय ने स्पेस सूट पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो बच जाता है। फिर वह उस स्टेशन पर जाता है जहां उसके फादर होते हैं। इस यात्रा के दौरान रॉय काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने फादर को काफी याद करता है। उस स्पेस स्टेशन पर रॉय को काफी डेड बॉडीज दिखती है। वहां उसे एक एंटी मैटर से भरी टैंक दिखती है। उस टैंक को देखकर रॉय को समझने में देर नहीं लगती कि इसी के कारण वो वेव आ रही है, जो कि काफी खतरनाक है। रॉय अपने साथ लाए न्यूक्लियर बम को वहां फिट कर देता है। लेकिन तभी रॉय के फादर दिख जाते हैं, जिन्होंने रॉय को पहचान लिया था। वो रॉय से कहते हैं कि मैं यहाँ जीवन की खोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। रॉय के फादर उसे बताते हैं कि वह उससे और उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे, वो बस अपने काम से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें उनसे अलग होने का कोई मलाल नहीं है। रॉय अपने पिता की बातों से काफी हैरान होता है। वो उसे कहता है कि लेकिन जिस जीवन की खोज में वो इतने सालों से कर रहे हैं, वो जीवन तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए कम से कम इतने साल बाद ही सही, वापस चलिए। रॉय के पिता काफी मना करने के बाद अंततः मान जाते हैं और न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद रॉय के पिता रॉय से दूर जाने लगते हैं, लेकिन वे दोनों एक रस्सी से एक दूसरे से बंधे होते हैं और रॉय अपने फादर को फिर से अपने पास कर लेता है। रॉय के फादर कहते हैं कि वह उसे जाने दे, वो रॉय के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो उसे कहते हैं कि इतने सालों तक यहाँ रहने के कारण
वे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि धरती पर उनका कोई नहीं है, पर वह रॉय से माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से रॉय का बचपन बगैर पिता के गुजरा। लेकिन तुम मुझे प्लीज उस जगह पर वापस मत ले जाओ। रॉय अपने फादर की जिद के आगे हार जाता है और उन्हें छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके फादर एक ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आ सकता है। रॉय अपने स्पेसशिप पर वापस आ जाता है और अपने फादर के स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके झटके की वजह से रॉय की स्पेसशिप धरती की तरफ तेजी से जाने लगती है। इस दौरान वह अपने फादर द्वारा लिखी गई रिसर्च को पढ़ता है, जिससे ये बताया गया था कि इस पूरे प्लेनेट पर इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है और इंसानों की वजह से ही धरती आज इस विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ समय बाद रॉय धरती पर लैंड करता है और वो काफी घायल अवस्था में रहता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और ठीक होने के बाद उसे एहसास होता है कि अपने पिता के जाने की वजह से जो उदासी उसने अपनी जिंदगी में बना रखी थी, उससे उसने अपने चाहने वालों को काफी तकलीफ पहुंचाई है। अपनी गलती को ठीक करने के लिए वह अपनी पत्नी से मिलता है और उसे बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। वो समझ चुका है रिश्तों की अहमियत को, इसलिए उसने खुद को भी बदल लिया है। वह उसे बताता है कि वह रिश्तों और खुशी दोनों की अहमियत को समझ चुका है। वह कभी भी अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता है। रॉय बताता है कि वह यह चाहता है कि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।